हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुभा श्रीवास्तव। आज मैं आपको अनुप्रयुक्त डेटा से मीन निकालना बताऊंगी। मीन यानी मध्यमान। कंप्यूटेशन ऑफ द मीन व्हेन डेटा आर अनग्रुप्ड। जब समूह या न्यायदर्श में व्यक्तियों की संख्या कम होती है, अर्थात संख्या लगभग 25 या इससे कम होती है, तो उनके प्राप्तांकों को व्यवस्थित या वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे आंकड़ों को अव्यवस्थित आंकड़े या अनग्रुप्ड डेटा कहा जाता है। अनग्रुप डेटा से मीन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहाँ पे सिग्मा एक्स प्राप्तांकों का योग है और एन से तात्पर्य प्राप्तांकों की कुल संख्या से है। फॉर एग्जांपल, हमारा ये अनग्रुप डेटा है 25, 15, 24, 45, 30, 26, 16, 20, 46 and 33। इस डेटा से हमें, ये हमारा अनग्रुप डेटा है और इससे हमें मीन निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला है m इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, जिसको मैंने अभी आपको डिफाइन किया। अब यहाँ पे m प्राप्तांकों का योग, सिग्मा एक्स का मतलब है, तो यानी ये जो भी डेटा है इसको हमको प्लस करना है। सो 25 + 15 + 24 + 45 + 30 + 26 + 16 + 20 + 46 + 33 डिवाइडेड बाय प्राप्तांकों की कुल संख्या n, सो डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज ये जो सारे हमारे प्राप्तांक हैं इनकी कुल संख्या 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो हियर 10। नाउ मीन इज इक्वल टू 280, इन सबको हमने प्लस किया, प्लस करने पे 280 आया अपॉन 10, प्राप्तांकों का कुल संख्या 10 थी, सो इसको डिवाइड करने पे 28 आया आंसर। दिस इज मीन और हमारा आंसर है 28। सो यहाँ हमने आज के सेशन में सीखा कि अनग्रुप डेटा से मध्यमान यानी मीन कैसे निकाला जाता है। थैंक यू सो मच।